नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सिमरा दर्पण न्यूज। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक कहे जाने वाले रायबरेली जिले के मील एरिया थाने में महिला सशक्तिकरण नारी सम्मान के रूप में उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिलाधिकारी महोदय वैभव श्रीवास्तव जी मौजूद थे, मेल एरिया थाना SOB मौजूद थे। क्योंकि आए दिन समाज में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन ने संज्ञान लिया और महिला सशक्तिकरण के लिए, नारी सम्मान के लिए एक अलग से टीम गठित की गई है, जो हमेशा 24/7 महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे शहर में पूरे क्षेत्र में भ्रमण करती रहेगी। और उसी को देखते हुए मील एरिया थाने में महिला सशक्तिकरण नारी सम्मान के रूप में उद्घाटन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी महोदय खुद अपने हाथों से शुभारंभ करके इस योजना महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाए। आइए देखते हैं कि हमारे पत्रकार बंधुओं को वैभव श्रीवास्तव जिलाधिकारी महोदय ने क्या अवगत कराया और अपने क्या विचार व्यक्त किए नारी के सम्मान के लिए, क्योंकि जैसा आए दिन हमेशा आप देखते हैं कि महिलाओं के ऊपर हो रहा है अत्याचार। और वहीं पर कुछ दिन पहले एंटी रोमियो दल भी तैनात किया गया था रायबरेली में, कि आखिर जब हमारे देश की बहु बेटियां सुरक्षित रहेंगी तभी देश हमारा तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। तो आइए नजर डालते हैं पूरी खबर पर। आज मिशन शक्ति के तहत माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के सभी थानों में हेल्पडेस्क की शुरुआत की गई है। उसी के तहत जनपद रायबरेली जिले में सर्व थानों में महिला हेल्पडेस्क का शुभारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास हुआ कि जो भी महिला संबंधी अपराध हैं, जो भी हमारे संज्ञान में आते हैं या जो भी मुद्दे के तरफ हैं, उनको हम पूरी तत्परता के साथ निस्तारण करेंगे, संपूर्ण न्याय मिल सके और शोषण मिल सके।